हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आरएमसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं आरएमसी के बारे में देने जा रहा हूँ जो कि आरएमसी के ही ऑफिशियल वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगी। तो मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि आप आरएमसी की वेबसाइट को फ्रिक्वेंटली विजिट किया करो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट आरएमसी आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। ओके, तो आप जैसे ही आरएमसी की वेबसाइट खोलोगे आप रीसेंट अपडेट्स देख सकते हो, और इस रीसेंट अपडेट्स में एंड टर्म क्रॉनिकल है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये पीडीएफ ओपन हो रही है। ओके, तो इसमें अब आपको ये मालूम पड़ेगा कि आरएमसी के अंदर क्या क्या एक्सपोजर बच्चों को देखने को मिलता है, किस तरीके से एक ओवरऑल डेवलपमेंट है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है। तो ये मई 2024 का वॉल्यूम है, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज द क्रॉनिकल करके इन्होंने एक मैगजीन निकाली है। ठीक है, तो आइए इस मैगजीन को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ओके, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उससे मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या एक्सपोजर बच्चों को दिया जाता है, क्या क्या कॉम्पिटिशन अंदर आरएमसी के होते हैं, कैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं ताकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का हो सके। ओके, और फिर आप कंपेयर भी कर सकते हो कि हम क्यों आरएमसी को बार बार कहते हैं कि आरएमसी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने थोड़ा सा विंटेज लुक देने के लिए ऐसी इमेज बनाई है, और ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा डिजाइनिंग है बच्चों का, ये देखो कैडेट शुभम कुमार है एक बच्चा जिसने ये पूरा डिजाइन किया है। तो सबसे पहले एजुकेशनल विजिट्स आप देख सकते हो। तो आरएमसी क्या करता है, एजुकेशनल विजिट्स करवाता है बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन हैं देहरादून में ही, जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन साइंस, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आरएमसी अपने कैडेट्स को ले जाता है, वो भी क्लास वाइज। ओके, ताकि उनको एक एक्सपोजर मिल सके। तो उसी तरीके से आप देख सकते हो ये बच्चों को अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ले जाया गया है जहाँ पर बच्चों को कुछ ना कुछ अकेडमिक से रिलेटेड बताया गया होगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं कुछ थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे इसको डिटेल्ड में पढ़ें, आरएमसी की वेबसाइट आप देखें और इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा क्रॉनिकल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लास सेकेंड के बच्चों को वाडिया इंस्टीट्यूट ले जाया गया है। ओके, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन साइंस, अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम तो आप सर्च कर सकते हैं। तो क्लास सेकेंड के बच्चों को यहाँ पर वाडिया इंस्टीट्यूट ले जाया गया है, क्लास फर्स्ट ए के बच्चों को FRI ले जाया गया है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, और उसके अलावा क्लास थर्ड के बच्चों को कहाँ विजिट करवाया गया है, मॉडर्न साइंस सिटी। तो अलग अलग जगह अलग अलग क्लासेस के बच्चों को लिया जाता है, क्लास थर्ड ए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, आपको मालूम होना चाहिए कि हर क्लास दो सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है, छः छः महीने के सेमेस्टर्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्लास फर्स्ट होगा और क्लास फर्स्ट ए होगा, फिर क्लास सेकेंड होगा क्लास सेकेंड ए होगा, क्लास थर्ड होगा क्लास थर्ड ए होगा। ठीक है, और क्लास फिफ्थ ट्वेल्थ वाले बच्चों को कहा जाता है क्लास फिफ्थ और क्लास फिफ्थ ए। ओके, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। क्लास थर्ड ए के बच्चों को इंपीरियल फोर मराठा लाइट इन्फेंट्री विजिट करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है, कैंटोनमेंट एरिया है, तो कहीं पर कोई भी पर्टिकुलर इन्फेंट्री की यूनिट होती है तो वहाँ पर भी बच्चों को विजिट करवाया जाता है। क्लास फोर एंड फोर ए को एक मेमोरेबल स्टे करवाया गया 6 घंटे का, सेकेंड पैरा जो कि क्लेमेंट टाउन में, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड क्लेमेंट टाउन, और वहां पर अभी सेकंड पैरा आई है, तो वहां उनको 6 घंटे का एक मेमोरेबल स्टे बच्चों को करवाया गया। तो दिस विजिट्स वर चेरिश्ड होल हार्टेडली बाय ऑल द कैडेट्स एंड दिस विल ऑलवेज बी एनग्रेव्ड इन अवर मेमोरीज। ठीक है, तो आप देख सकते हो ना किस तरीके का प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चों को दिया जा रहा है, तभी तो यहाँ के बच्चे हर जगह आप देखते हो अलग अलग फील्ड्स में सक्सेसफुल होते हैं। ओके, वैसे तो ज्यादातर बच्चे आर्म फोर्सेस में जाते हैं, लेकिन आप अगर एल्यूमिनाई देखोगे तो आपको अलग अलग फील्ड्स में भी आरएमसी के स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा ये अराउंड 30 पेजेस का ये क्रॉनिकल है, ये एक मैगजीन है, तो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। तो इस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपने देखे, और फिर इंटरसेक्शन इंग्लिश डिबेट्स भी होते हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं आरएमसी में, आपको मालूम होगा, मुझे भी सारे नाम याद नहीं है, लेकिन प्रताप है, आई थिंक प्रताप सेक्शन है एक, और चंद्रगुप्त सेक्शन है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस के आपस में डिबेट्स, इंग्लिश डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, और ये आपको यहाँ पर दिखेगा अजय सिंह, हमारा ही स्टूडेंट है एमपी से। ओके, प्लस एक और स्टूडेंट आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर आप इनके बैचेस भी देखते हो, अगर एकेडमिक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं जिस तरीके के बैचेस आपको फेदर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बेसिकली ये कहीं ना कहीं एकेडमिकली जब बच्चे अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, तो एज एन अवार्ड उनको ये सारे बैचेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो आरएमसी में एक ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करूं, ओके, इफ आई विल स्क्रॉल डाउन, आप देखेंगे यहाँ पर
क्रिकेट कंपटीशन भी देखने को गया है। तो आरएमसी में आप देखोगे एजुकेशनल विजिट्स कराई जा रही है, बच्चों का डिबेट कंपटीशन है, स्पोर्ट्स में भी पीछे नहीं आरएमसी। तो यहाँ पर क्रिकेट कंपटीशन करवाया जाता है बच्चों के बीच, ठीक है, टीचर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कमांडेंट मनीष चौबे एंड द बेस्ट बॉलर बैक्ड बाय कैडेट गुरकीत गुरकीरत, ठीक है। तो ये अलग अलग अवार्ड्स बच्चों को दिए गए हैं, तो यहाँ पर वो नीचे मेंशन है। आई थिंक ये मिला है बेस्ट बैट्समैन का कैडेट मनीष को, और नीचे मेरे ख्याल से ये है गुरकीरत, हाँ ठीक है, तो इसको मिला है बेस्ट बॉलर का, ठीक है। फिर स्क्वैश है, ओके, स्क्वैश भी आरएमसी में है, ओके। तो मैं आप ये डिटेल में पढ़िएगा, मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से बच्चे स्क्वैश खेल रहे हैं, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बच्चों ने बहुत बेहतर किया होगा। फिर इंटरसेक्शन क्विज कॉम्पिटिशन है, अलग अलग सेक्शंस के आपस में क्विज होते हैं, ये तो आरएमसी के अंदर एक कॉम्पिटिशन रहता ही है एंड तक कि कौन सा सेक्शन आगे रहेगा, सबसे आगे रहेगा। चंद्रगुप्त मेरे ख्याल से अभी सबसे बेहतर परफॉर्म करता है आरएमसी में, ओके, जहां तक सेक्शन का सवाल है, ओके। तो बच्चे यहां पर अपने सेक्शन के लिए भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जैसे कि फौज में फिर पलटन का मान सम्मान का ध्यान एक ऑफिसर रखता है, उसी तरीके से आरएमसी में अपने सेक्शन का ध्यान बच्चे बहुत रखते हैं, ठीक है। तो प्रताप सेक्शन, चंद्रगुप्त सेक्शन, ऐसी बातें यहां पर लिखी हुई है। शिवाजी सेक्शन इज ऑल्सो देयर, रंजीत, तो मेरे ख्याल से ये चार सेक्शन है, रंजीत सेक्शन इज देयर, मैं यहां पर एक बार हाईलाइट कर लेता हूं जिन बच्चों को नहीं मालूम, रंजीत सेक्शन इज देयर, शिवाजी सेक्शन इज देयर, देन वी हैव चंद्रगुप्त सेक्शन, देन वी हैव प्रताप सेक्शन। तो मेरे ख्याल से ये चार सेक्शन आरएमसी के अंदर है, ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिबेट कॉम्पिटिशन, बॉक्सिंग, ओके, तो यहां पर इस तरीके के स्पोर्ट्स भी हैं, ठीक है। तो कितना एक्सपोजर बच्चे को देखने को मिल रहा है, तो इतने सारे फील्ड्स हैं, इतने सारे बच्चों के एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा एक्सेल तो करेगा ही करेगा। तो ये बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन भी है, ओके, अगर मैं आरएमसी में होता पर्सनली तो जरूर आई वुड हैव पार्टिसिपेटेड इन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो यहाँ पर भी अलग अलग सेक्शंस के बीच में बॉक्सिंग चैंपियनशिप देखने को मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, कमराडरीशिप तो बच्चों के अंदर रहती है, ठीक है। तो ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बच्चों के बीच रहता है, ओके। नीचे आ जाते हैं, नीचे देखेंगे बॉक्सिंग से रिलेटेड ही दिया है इसमें, ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़नी चाहिए, आप ये सारी चीज़ें पढ़िएगा, ओके। उसके नीचे फिर तो 102 ईयर्स हो गए हैं, उसका रीयूनियन भी आप देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी वेटरन्स आते हैं जो ऑलरेडी आरएमसी में पढ़े हुए हैं, उसकी भी इमेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें सारी चीज़ें दी हैं, ओके, किस तरीके से रीयूनियन है, तो आप देख सकते हैं दिस आर ऑल वेटरन्स जो कहीं ना कहीं आरएमसी से पढ़े हुए हैं, दे आर ऑल रिमकोलियंस, ओके। तो इस तरीके से उनकी मीट होती है और बच्चों के साथ इंट्रैक्शन होता है, तो काफ़ी नॉलेज का आदान प्रदान होता है, काफ़ी एक्सपोजर बच्चों को मिलता है यहाँ से, ओके, इस तरीके से। या शिवाजी वी क्लिन स्टेट, ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे कंपटीशन जीतते हैं या ओवरऑल कौन सा सेक्शन जीता है। और आप देख सकते हो ये प्रिंसिपल हैं आरएमसी के, एयरफोर्स के चीफ जो थे पहले वो भी कहीं ना कहीं रिमकोलियन है, और कैसे वो बच्चों के एफर्ट्स देखते हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हैं, ओके। फिर होली कैसे बनाई जाती है आरएमसी में, ओके, तो आप ये देख लीजिए कि आरएमसी एक दूसरा घर है बच्चों का, और स्कूल्स में होली की छुट्टी आपको देखने को मिलेगी, बट आरएमसी में ऐसा नहीं है। आरएमसी में होली दिवाली आप आरएमसी में बनाते हैं, ओके, हाँ समर और विंटर वेकेशंस मिलती हैं बस आरएमसी में, उसके अलावा। और होली आप लोग देखिए मिल बांट के, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ा फील्ड है, तो क्या मज़ा आता होगा होली बनाने में, सारा स्टाफ है, सारे बच्चे यहाँ पर साथ में हैं, ओके। तो इस तरीके से बच्चे वहाँ पर इंजॉय भी करते हैं और जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो जिन पेरेंट्स को थोड़ा सा डाउट रहता है कि हम हॉस्टल में बच्चों को भेजेंगे, आरएमसी में भेजेंगे, तो कहीं बच्चा हमसे कट ना जाए, या इस तरीके के जो भी डाउट्स पेरेंट्स के माइंड में रहते हैं, आई थिंक कि ये वीडियो देखने के बाद उनको समझ में आएगा कि क्यों मैं स्पेशली आरएमसी के लिए इतना फोकस रहता हूँ, क्यों मैं बच्चों से कहता हूँ कि यू शुड ट्राई फॉर आरएमसी, ओके, दिस इज़ द मेन रीज़न, कि क्योंकि एक ओवरऑल पर्सनालिटी बिल्डिंग में आरएमसी काम करता है ना। तो री प्लानिशिंग हाइक्स, तो आरएमसी में बच्चे हाइक्स में भी जाते हैं। अब जैसे कि आपको पता ही है कि आरएमसी बेसिकली लाइज इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, शिवालिक रेंज है, आसपास बहुत सारे हिल्स हैं, मसूरी है फेमस हिल स्टेशन, तो बच्चे हाइक्स में भी जाते हैं, ओके। तो ये सब मेंशन है यहाँ पर, ये आप ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से डिटेल से, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा। तो ये सारे बच्चे हैं मेरे ख्याल से जो हाइक में जा रहे होंगे, और यहाँ पर आप देखोगे कि क्लास टू
लेफ्ट फॉर द सिटी ऑफ गार्डन एंड पिक्चर्स क्यू माउंटेन सिटी टू ऑफ शिमला. तो क्लास सेकेंड के बच्चे शिमला जा रहे हैं, ओके, और साथ में उनके लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक राणा जी भी हैं, वाइस प्रिंसिपल पीके शर्मा है. क्लास 2A के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं इन्फेंट्री स्कूल इन माऊ. तो एक्सपोजर देखो बच्चों का, ठीक है, एंड दे ऑल्सो इन्जॉय डिलीशियस फूड एंड द गुड लिविंग कंडीशन ऑफ द सिटी. ओके, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं. मैं और स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे और एक्सपोजर. ये देखो इस तरीके से बच्चों की जो विजिट्स हैं, ओके, शिमला बच्चे गए हैं, माऊ गए हैं इन्फेंट्री स्कूल में. तो इतना एक्सपोजर आपको किसी और स्कूल में देखने को नहीं मिल सकता, इतने हाई लेवल के इंस्टीट्यूशंस में कोई स्कूल बच्चों को नहीं ले जा सकता. और मल्टी डायमेंशन में कहीं ना कहीं आरएमसी फोकस करता है ना, बच्चों को हाइक्स भी कराई जा रही है. जैसे ये क्लास 3 के बच्चे हैं, फर्स्ट पैरा स्पेशल फोर्सेज एट नाहन, ठीक है, तो ये यहाँ इन्होंने विजिट किया, ओके. और क्लास 3 के बच्चे कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर गए जो कि रानीखेत में है, ठीक है. तो ऐसे इनको ऐसे बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स में जब बच्चों को लिया जाता है तो डेफिनेटली एक्सपोजर का लेवल भी कुछ हाई रहता है. क्लास 4 के बच्चे ऋषिकेश गए हैं, क्लास 4A के बच्चे गए हैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर, ठीक है, जलियांवाला बाग विजिट किया है. क्लास 5 के बच्चे, अच्छा ये भी देखिए इसमें, ये भी अब क्लास 5 का मतलब है यहाँ पर 12th के बच्चे. तो क्लास 5 के बच्चे, अब हमें मालूम तो है आरएमसी को कि अभी एनडीए की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्लास 5 साफ साफ लिखा हुआ है, आफ्टर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ एनडीए. तो एनडीए की प्रिपरेशन के साथ बच्चे जम्मू गए विजिट के लिए और इन्होंने यहाँ पर 26 टाइगर डिवीजन रघुनाथ टेम्पल विजिट किया, ओके. तो इस तरीके से जो बच्चे एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रिपरेशन के बाद उनको भी ले जाया जाता है, उनको भी वो सारे एक्सपोजर दिए जाते हैं वैसे भी, और उससे पहले भी क्लास वाइज तो कहीं ना कहीं वो एक्सपोजर देखने को मिलता ही है, ओके. तो ये कहीं ना कहीं अराउंड 15 पेजेस वी हैव कवर्ड. और अच्छा, फिर बहुत सोशल प्रोग्राम्स भी होते हैं, अलग अलग इंटर स्कूल्स के साथ बच्चे मिलते हैं. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेलम्स गर्ल्स से गर्ल्स कहीं ना कहीं विजिट करने आई है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ. तो कहीं ना कहीं आपस में थॉट्स शेयर करे जाते हैं और किस तरीके से बच्चों की प्रिपरेशन चल रही है 12th के लिए, वो सारी चीज़ें हैं. तो ये आप प्लीज़ पढ़िएगा. तो इसमें साफ साफ मेंशन भी है कि ये वेलम गर्ल्स की जो गर्ल्स हैं वो आई हैं और इन्होंने कैंपस को विजिट किया, आरएमसी के कैंपस को, और कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्सपीरियंस आपस में एक्सचेंज किया और इंटरेक्ट किया बच्चों के साथ एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन है, ओके, क्योंकि अदर स्कूल्स वालों को भी एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है आरएमसी में आने के बाद, ओके. फिर ये आपके इंग्लिश डिबेट्स हैं, इंटर स्कूल्स होते हैं ये, ठीक है, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे, सेंट जोसेफ्स, ये सारे देहरादून के स्कूल्स हैं, सो कॉल्ड रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, दून इंटरनेशनल स्कूल्स, ठीक है. तो ये सब आते हैं आरएमसी में, दे पार्टिसिपेट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, और ऐसे ट्रॉफी भी विन करके जाते हैं. तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है देहरादून के स्कूल्स के लिए भी, आपस में आरएमसी के साथ बड़े इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं. फिर बास्केटबॉल, तो आप नाम लीजिए, सारा स्पोर्ट्स आपको आरएमसी में देखने को मिलेगा. सो बास्केटबॉल इज ऑल्सो देयर. तो जो बच्चे बास्केटबॉल के लिए इंटरेस्टेड हैं, देख ले भाई, आरएमसी में सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ये बास्केटबॉल से रिलेटेड हो गया. फिर पीटीएम में भी फोकस किया जाता है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में भी आप देख सकते हो किस तरीके से पेरेंट्स को ट्रीट किया जाता है, क्या बढ़िया हॉस्पिटैलिटी पेरेंट्स के साथ करी जाती है आरएमसी के अंदर, क्या बढ़िया पेरेंट्स को ब्रेकफास्ट लंच करवाया जाता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें मेंशनड हैं, प्लीज़ आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा. और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया जाता है बच्चे के एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ठीक है, कैसे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ हम बच्चे की और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में फोकस कर सकते हैं, ठीक है. तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है. उसके बाद फिर ये लिटरेरी फेस्ट भी होते हैं, अलग अलग स्कूल्स में आरएमसी के कैडेट्स को लिया जाता है. मेरे ख्याल से ये आरएमसी को अभी, हाँ अभी ये विनबर्ग एलन स्कूल है मसूरी में, जहाँ पर बच्चों ने इस लिटरेरी फेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें स्पेल भी, इंग्लिश डिबेट्स, हिंदी डिबेट्स, मूवी रिव्यू, पोएम रेसिटेशन जैसे कॉम्पिटिशन्स बच्चों के बीच में करवाए गए. और इसमें बहुत सारे बच्चे, कैडेट ईशान चौहान और कैडेट अजय सिंह, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, जो एमपी का हमारा स्टूडेंट है, गॉट मोस्ट प्रॉमिसिंग स्पीकर्स अवार्ड इन इंग्लिश डिबेट्स, ओके. तो इस तरीके से बच्चों का को अलग अलग स्कूल्स में ले जाकर कॉम्पिटिशन करवा कर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है. उसके बाद हॉकी, कोई भी स्पोर्ट्स छूटेगा नहीं आपका, ठीक है. हाँ, एक बैडमिंटन मुझे नहीं देखने को मिलता है क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहता है बैडमिंटन में, लेकिन उसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स हैं ही, ठीक है. तो हॉकी में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके, और कैसे इंटरसेक्शन कॉम्पिटिशन्स. देन देर आर मोटिवेशनल टॉक्स ऑल्सो,
बाय कर्नल कौशल कश्यप, तो ऐसे ऐसे डिग्निटरीज को भी बुलाया जाता है ताकि वो बच्चों को मोटिवेशनल टॉक्स दे सके। ठीक है, तो कर्नल कौशल कश्यप शौर्य चक्र हैं। ओके, तो ऐसे डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज को आरएमसी इनवाइट करता है और कहीं ना कहीं वो बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आरएमसी में होती हैं। ओके अच्छा, उसके बाद संतला देवी साइकिलिंग ट्रैक, तो बच्चों को साइकिलिंग भी कराई जाती है, मेनली गर्ल्स हैं ये जिनको साइकिलिंग में ले जाया गया। देर इज़ अ प्लेस, देर इज़ अ टेम्पल कॉल्ड संतला देवी टेम्पल इन देहरादून, जो लोग देहरादून के रेजिडेंट्स हैं या जो निवासी हैं यहाँ के, उनको मालूम होगा कि संतला देवी कहाँ पर है। ओके, तो बच्चों को वहाँ ले जाया जाता है, फिर ट्रैक करवाया जाता है। ठीक है, तो गर्ल्स कैडेट्स के साथ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं। एंड देन द स्टेट विजिट्स, अलग अलग स्टेट से गवर्नर्स आते हैं और आरएमसी विजिट करते हैं, आरएमसी का करिकुलम देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो बाहर के गवर्नर्स भी अलग अलग स्टेट्स के विजिट्स रहती हैं उनकी आरएमसी में। ठीक है, एंड देन येट अनदर फेदर इन हर कैप, कुछ अवार्ड मिला होगा आरएमसी को अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, आप देख सकते हो इतने सारी ट्रॉफीज हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में। ओके, स्क्वैश दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा कि स्क्वैश में कैसे आरएमसी ने झंडे गाड़े हैं। देन देर आर समर फेस्ट ऑल्सो, जिसमें अलग अलग कोर्सेज बच्चों को करवाए जाते हैं, स्क्वैश है, शूटिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है, अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों के साथ, तो इतना एक्सपोजर, हॉर्स राइडिंग है और डाइविंग है, इतना एक्सपोजर आपको कौन से स्कूल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुछ हाइलाइट्स हैं। ठीक है, इनको वॉल क्लाइंबिंग भी करवाई जा रही है। ओके, तो इस तरीके से इतना सारा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। ओके, एंड देन अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो क्रेडिट दिया गया है वो बच्चों को दिया गया है। चीफ एडिटर कोई कैडेट शौर्य है, शौर्य पॉडर रमन, और जर्नलिज्म टीम एंड डिजाइनर्स में सारे बच्चे ही हैं, तो बच्चों ने इसको डिज़ाइन किया है। ओके, एंड देन फाइनली इसके बाद दो और स्लाइड्स बची हुई हैं। हाँ, देन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी एट आरआईएमसी, और फिर जो प्रिंसिपल सर हैं राहुल अग्रवाल, वो कैसे बच्चों को अलग अलग नोवल्स उनको दी जा रही है एज एन अवार्ड। ओके, ताकि बच्चों की पर्सनैलिटी और इन्हांस हो। ओके, तो इस तरीके से अवार्ड सेरेमनी आरआईएमसी में देखने को मिलती है। एंड देन ये तो था अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन फाइनली द ग्रेजुएशन सेरेमनी, जब 12th पास करते हैं बच्चे तो उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, और वो भी 195th कोर्स, ये भी लेटेस्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई होगी, पास आउट हुए होंगे बच्चे। तो इस तरीके से सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इस तरीके से आरएमसी में सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जाती है। ओके, सो इट वॉज अ जिस्ट, ये छोटे सा मैंने आपको एक जिस्ट दिया। सो यहाँ पर लिखा भी है, कंग्रेचुलेशंस टू द ग्रेजुएट्स ऑफ द 195th कोर्स एट आरआईएमसी, द सेरेमनी वॉज अ ग्रैंड सक्सेस विद अवार्ड्स, अ वाइब्रेंट कल्चरल प्रोग्राम, एंड मेजर जनरल अतुल रावत AVSM ADG NCC। ठीक है, तो उत्तराखंड के हैं ये ADG मेजर जनरल अतुल, तो ऐसी ऐसी डिग्निटरीज विजिट करती है ग्रेजुएशन सेरेमनी में। ओके, तो बच्चों का मोराल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, तो आपने इस 30 पेजेस में ये तो जान लिया कि आरएमसी के अंदर क्या क्या बच्चों को किस किस एरियाज में बच्चों को बेसिकली ट्रेन किया जाता है, या क्या क्या फैसिलिटीज बच्चों को मिलती हैं, या कैसा एक्सपोजर बच्चों को देखने को मिलता है। ओके, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बच्चों को दिखानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से मोटिवेशन मिलता है कि वो आरएमसी क्यों ज्वाइन करें। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और आप चाहें तो इस क्रॉनिकल को आप पढ़ सकते हैं, rmc.gov.in is the official website. Okay, so that's all for today. Bye bye, see you soon, all the best, Jai Hind.